सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे हनुमान लग रहे हो भैया। एक आ चालू कर दिया, भजन कीर्तन चालू कर दिए क्या? अरे नहीं नहीं, फिर? अरे ये बॉलीवुड से सीखा है। मतलब जब नैया डूबे तो भगवान के सहारे खुद को कर लो। इससे क्या होगा? उनका हो या ना हो, अपना तो भला होगा। तो भैया आप भी बोलो जय श्री राम। आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी दिवाली। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहली बातें पर। मैं हूं आरडी और मेरे साथ हैं एजे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ भैया बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पे आपको मिलते रहेंगे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं बात बात। So, दोस्तों आ चुका है दिवाली का त्योहार, जिसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है बॉलीवुड। बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में जिसका बहुत ही लंबे समय से था इंतजार, वो आ चुकी हैं बड़े पर्दे पर। जहां एक तरफ है अक्षय कुमार, वहीं दूसरी तरफ है अजय देवगन, और दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर कर रहे हैं टक्कर। वैसे तो बीच बीच में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी है, तो वैसे तो रकुल प्रीत भी है, वैसे तो जैकलिन फर्नांडिस भी है, वैसे नोरा फतेही। ध्यान, काम पे ध्यान दे। हालांकि कौन लेकर जाएगा विनिंग प्राइस, यानी किसकी होती है मूवी हिट और किसकी होती है फ्लॉप, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम देख कर आए हैं राम सेतु। बड़े प्यार से ले रहे हैं नाम। वैसे राम सेतु मूवी की अगर बात करें तो इससे भारतीयों की आस्था भी जुड़ी हुई है। हाँ, माइथोलॉजी बेस्ड मूवी है। बिल्कुल, जहां पर श्री राम का नाम आए वो मूवी हिट ना हो ऐसा तो बहुत ही कम चांस है। क्या बोलते हो? आदि पुरुष का क्या कहना है? आदि पुरुष जब ये रिलीज होगी तो मैं होऊंगा पहला जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालूंगा। हाँ, मैं भी रहूंगा साथ में हेल्प करने के लिए, असिस्टेंट कंपाउंडर। अभी बात कर ले राम सेतु। हाँ, बात कर लेते। तो बात करते राम सेतु मूवी के कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के एक लोकेशन से, जहां पर कुछ तालिबानी सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और अफगानिस्तान एक यूनिट बनाता है आर्कियोलॉजिस्ट का, जहां पर अलग अलग देशों के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो भाग लेते हैं ताकि वो संरक्षण कर सके। और इंडिया की तरफ से जो आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं वो होते हैं अक्षय कुमार। वही पे अक्षय कुमार की एंट्री भी दिखाई गई है, जो कि हेलीकॉप्टर में से उतरते हैं। वो तो उनका सिग्नेचर होता है। हाँ, आदत है। और जैसे ही अक्षय कुमार वहां आते हैं, उनके इस सक्सेस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर एक स्टेटमेंट जो धर्म के ऊपर देते हैं अक्षय कुमार, उसकी वजह से उन्हें नास्तिक करार दिया जाता है। Because वो कहते हैं कि I believe in facts, not in God. And उसकी वजह से नेताओं को मिलता है एक मौका, जहां पर कुछ पॉलिटिशियन जो है भारत देश के, वो अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं ताकि कारोबार में उनको ज्यादा वृद्धि हो सके। और अपना सीधा उल्लू सीधा करने के लिए वो अक्षय कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बंदूक, बंदूक होता है वो, क्या है वो, बोलने बोलने में हो जाता है, थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। हाँ, आप सीधा चल दो। तो सीधे सीधे बात करें तो वहीं पॉलिटिक्स में फंस कर अक्षय कुमार आ जाते हैं राम सेतु के इर्द गिर्द। और दोस्तों एक बार जहां पर अक्षय कुमार एंट्री करते हैं राम सेतु के इर्द गिर्द में, वही कहानी शुरू होती है उनके नास्तिक से आस्तिक बनने की। वही कहानी शुरू होती है चार सवालों के स्तंभ के ऊपर। पहला, क्या सच में राम सेतु है भी या नहीं? क्या राम सेतु सच में राम सेतु है या है एडम ब्रिज? क्या राम सेतु सच में बनाया है प्रभु श्री राम ने? और चौथा सवाल जो खड़ा करता है मजबूत सवाल, जो कि अभी तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सच में
रामायण एक महाकाव्य है या उसे माना जा सकता है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का इतिहास। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। और इसी सवालों के जवाब के लिए आपको देखना होगा राम सेतु मूवी। लेकिन उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं, हालांकि स्पॉइलर नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कुछ किरदारों ने इतना अच्छा काम किया है, जिनमें नाम आता है सत्यदेव का, नसीर का और प्रवेश राणा। बिग बॉस का असर चल रहा है मार्केट में और बिग बॉस से ही प्रवेश राणा कर रहे हैं विलन का रोल। वहीं उनके जो हेड में दिखाए गए हैं वह एम नसार है। और बात करें जिसकी इन्होंने की सत्यदेव की, आप सत्यदेव को एज अ एपी देखेंगे। ओ चाचा स्पॉइलर नहीं दो यार, रुक जाओ, लोगों को भी देखने दो राम सेतु। ठीक है, तो भैया एक चीज मानिए कि शुरू भी होगी मजे से और अंत भी होगा राम सेतु का बहुत ही ज्यादा मजे से। आपको डायरेक्शन को लेकर क्या लगता है? डायरेक्शन को लेकर मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी चीज है, डायरेक्शन के थ्रू दिखाए गए विजुअल्स काफी अच्छे हैं मूवी के। पानी के अंदर के सीन्स काफी बढ़िया तरीके से निभाए गए, पानी के ऊपर भी जो काम किया गया है, मतलब जैसे कि अक्षय कुमार का जो सीन है जो पत्थर लेके पानी से बाहर आते राम सेतु पे चलना, राम सेतु पे चलना वगैरह, वो सब बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। स्पेशली वो जो राम सेतु के इनर पोर्शन को प्रेजेंट किया गया है, आई लाइक दैट। हाँ यार, वो अभी तक हमको भी पता नहीं था उसके बारे में कि वो इतना नीचे भी, मतलब पानी के नीचे भी उतना ही है। और उसके बारे में वो सारे आर्कोलॉजिस्ट मिल के रिसर्च करते और वो रिसर्च को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, वो भी काफी बढ़िया पार्ट लगा। और एंडिंग वगैरह और एक्शन सीन्स वगैरह भी काफी ठीक ठाक है मूवी में, और एक मैं कहूंगा एक ट्रेजर टाइप मूवी है ये। दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें राम सेतु मूवी के बारे में तो कहीं ना कहीं साइंस और माइथोलॉजी को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से माइथोलॉजी को भी साइंस का सपोर्ट मिल रहा है, यानी राम सेतु को किस तरीके का साइंस से भी सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ये मूवी देखने जाते हो तो आप मुस्कुराकर ही बाहर आएंगे, आपको लगेगा कि भैया पैसा वसूल है। तो अपना पैसा वसूलने के लिए जाइए और राम सेतु देख कर आइए। जय श्री राम।